गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल के 0522 व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। एंड बज चुके हैं सुबह के 8:30। आपको बताना, इस समय सावन चल रहा है तो मैं सुबह और जल्दी उठने लगी हूँ। वैसे तो मैं पूजा करके मतलब जल्दी हो जाता था, लेकिन और जल्दी उठने लगी हूँ। 5:30 बजे आज उठ गई थी मैं, ताकि मैं जल्दी से पूजा कराऊँ। इससे पहले मंदिर में भीड़ हो बहुत ज़्यादा, और फिर पूजा करते नहीं बनता सब लोग भीड़ में, तो मैं सबसे पहले कराती हूँ। जब 2-3 लोग ही मिलते हैं सुबह जल्दी, तो बस पूजा हो गई हमारी, उसके बाद मैं फ्री हो गई। 7 बजे तक फ्री हो गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा और घर के काम थे तो वो निपटाए मैंने। उसके बाद मैं फ्री हो गई। अब अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि बाकी सब तो गए हैं। मम्मी भी आज काम पे गए, आयुष आर्यन भी स्कूल गए, और आयुष आर्यन रात की कटहल की बिरयानी बनी थी तो वो लेके चले गए गर्म करके, और अपने लिए नाश्ता मुझे बनाना है। तो जाहिर सी बात है, कल रात मैं आपको मटर दिखा रही थी कि मटर रखी तो मटर की चाट बनेगी, तो जब बिरयानी बन गई तो मटर की चाट की बात ही नहीं होती। तो मैं बनाऊंगी मटर की सब्ज़ी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अपने लिए बनाऊंगी पराठे, क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते यार, खाली पेट ही क्यों ना, अपने लिए भी बनाना ही पड़ता है। मम्मी भी चली गई तो आज मैं अकेली हूँ, जब तक ये लोग आ नहीं जाते। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड हाँ, कैसी लगती हैं आपको हमारी रेसिपी? जो मेरी होती है वो मेरी होती है, लेकिन जो मम्मी बनाती है वो बेस्ट होती है। एंड कटहल की बिरयानी वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, एंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वीडियो शूट करने की, बट प्रॉब्लम हो जा रही है कुछ ना कुछ, तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट होप श्योर आज नहीं कल मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर शूट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास वीडियो बचे भी नहीं हैं, तो आपको बहुत जल्द अच्छी वीडियो देखने मिलेंगी। ओके, तो बने रहना मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहूँ, और आप देखते रहो, इन्जॉय करते रहो एंड मुझे सपोर्ट करते रहो। ओके, चलो रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। के लिए नाश्ते में बनाऊँगी मैं मटर की सब्ज़ी। मटर की सब्ज़ी बनती है उबाल के भी, बनती है उबाल के ही बनती है, आलू डाल के भी बना सकते हो, आप खाली भी बना सकते हो। तो मैं खाली बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के थे। बड़े होते तो मैं बड़े लेती, लेकिन आप जानते हो टमाटर कितना महंगा है, फिर भी हमारे यहाँ खाया जाता है, क्योंकि टमाटर के बिना कोई सब्ज़ी ही नहीं बन सकती। तो चलिए जल्दी से मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, और आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। ओके, कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में हमने तेल डाला है, और थोड़ा सा तेल डालेंगे, मतलब लिमिट में। मैं थोड़ी बहुत थोड़ी ही सब्ज़ी बना रही हूँ ना, जितना मेरा मटर है उतने हिसाब से इतना तेल सही है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना, वैसे भी हम लोगों से तेल ज़्यादा ही पड़ जाता है, बट कोशिश करते हैं कि कम ही डालें। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, जो जो मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। वैसे प्लेन सिंपल सब्ज़ी है, कुछ नहीं, ये तेल गर्म हो जाएगा, इसमें जीरा हींग डालेंगे फटाक से। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और इसी में हींग डाल देंगे हम। हरा मिर्चा हो तो आप हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हरा मिर्चा खाने में ज़्यादा सही रहता है लाल से। ये हमने डाल दिया टमाटर, हमने टमाटर डाल दिया था, इसी टमाटर में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने मटर उबालने में भी नमक डाला था। हमने इस हिसाब से नई मटर उबाली थी ना, कि हम मटर की सब्ज़ी बना देंगे, बट बना ली, बची हुई थी। इसमें मिर्चा स्वाद अनुसार, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी और धनिया, आप जितना खाते हो जितना पसंद करते हो उतना डाल सकते हो। वैसे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप जितना डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि धनिया से कोई नुकसान तो होता नहीं है, उल्टा मसाले की ग्रेवी ही थोड़ी हो जाती है। और वैसे भी मटर थिक होता ना थोड़ा सा, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ग्रेवी की। तो मैं इस हिसाब से सब्ज़ी बना रही हूँ, कि अभी बना रही हूँ मॉर्निंग में अपने लिए, फिर अब दोपहर में भी वो काम आ जाएगी, तो मुझे सिर्फ चावल बनाने पड़ेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा चला देते हैं, टमाटर थोड़ा सा गल जाने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम मटर डालेंगे। ओके, तो गाइस हमारा टमाटर एकदम पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मटर। ओके, इसमें अब हम डालेंगे मटर। तो गाइस इसमें मैंने मटर डाल दिया था, अब मटर डाल के इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी। आपको जितना रसा चाहिए हो आप उतना गाढ़ा कर सकते हो, जितना पतला चाहिए उतना पतला रख सको, क्योंकि हमें जो है, मैं तो अभी पराठे खाऊंगी, अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, लेकिन दिन में हमें चावल बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी। तो इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी मैं डालूंगी। पानी डालने के बाद 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया, खोल जाने दिया सब्जी को। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और एक तरफ मैंने अपने लिए पराठे भी सेक लिए। तो चलिए जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गरम नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है, तो अब खाती हूँ और फिर खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है अगर। तो देखिए मैंने सब्ज़ी इस एंगल में इसलिए निकाली ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म गर्म है ना। चलिए ठीक है, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चाय नाश्ता हो गया था, और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे टीवी देखने लगी, फिर मैं बोर हो रही थी, ये दोनों नहीं होते तो मैं बोर भी हो रही थी। फिर मैंने नेल पेंट लगा ली, नेल पेंट मैंने हाथ पैरों में लगा लिया, क्योंकि मुझे शूट करना, तो इसलिए मुझे रेड नेल पेंट लगा ली। और फिर कुछ और तैयारियाँ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी अब इन लोगों का वेट करी, बोर हो जाती हूँ इन लोगों के बिना, अकेला रहती हूँ घर में। तो चलिए गाइस कुछ देर में मिलते हैं फिर, ठीक है? नहीं तुम रोज़ तो वेक जाते हो। आए हाय, बारिश ही नहीं हुई आज तो। गाइस खाना बन गया है, मतलब सुबह सब्ज़ी बना रही थी, चावल बनाया था, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ। सो गाइस मैं सो गई थी, सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैंने कहा सो जाती हूँ, फिर सो गई तो अभी उठी, मैंने कहा खाना खा लेते, क्योंकि मुझे जाना है अभी कुछ देर में। खाना खाने के बाद
बर्तन वर्तन धुल के फिर मैं जाऊँगी कोचिंग, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं मिलूँगी, अभी मैं नहीं जा रही, अभी तो बर्तन तो धुलूँगी तब मिलती हूँ आपसे। मैंने खाना खा लिया और खाना खाते खाते मैंने यूट्यूब पे आपके कमेंट पढ़े कि सच में लोगों को तहरी का मतलब नहीं पता है, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद, तो फिर ठीक है मैं उसकी रेसिपी ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और उसी के साथ साथ ये भी पढ़ा कि ऋतु रेसिपी शेयर करो या ना करो बट ब्लॉग ज़रूर डेली डालना। नहीं नहीं मैं रेसिपी भी बीच बीच में ज़रूर शेयर करूँगी, अगर कुछ बना रही हूँ नया या कुछ भी ऐसा तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और ब्लॉग भी रोज़ डालूँगी। कोशिश यही रहती है कि रोज़ डालूँ, बट थोड़ा सा अकेले हो जाती हूँ तो अजीब अजीब सा लगता है, बट कोई नहीं अकेले तो वैसे भी मैं करती हूँ। अपने चाहने वालों को लिए जो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सपोर्टिव रिस्पॉन्स मुझे यूट्यूब पर मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि यूट्यूब पर वर्क करना थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपसे बस इतना शेयर करना चाहूँगी गाइज कि मैं थोड़ा बहुत इंस्टा से जैसे अर्निंग कर लेती थी तो मेरे लिए आराम हो जाता था, बहुत अच्छा सब कुछ कर लेती थी, मैनेज कर लेती थी, बट अभी इंस्टा से कोई उम्मीद नहीं रह गई है तो रोज़ का रोज़ मुझे नेट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा नेट करके ब्लॉग्स डालने पड़ते हैं, तो मेरे पास इतना रह नहीं गया है पेमेंट टू एंड रोज़ का रोज़ कर रही हूँ, बट अभी हालत बहुत बेकार होने वाली है। और अगर मतलब यूट्यूब से सपोर्टिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर कैसे हाउ टू मतलब मैनेज कैसे आगे कर पाऊँगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर व्लॉग डालना, क्योंकि वैसे तो मेरे फ़ोन में नेट है कोई चिंता नहीं, एक साल के लिए मैंने नेट करवा रखा, लेकिन जब भी व्लॉग्स लंबे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर एक्स्ट्रा नेट लेना ही पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। बाकी ईश्वर पर भरोसा है, वो तो मुझे कभी इतना बेकार सिचुएशन में लाएगा नहीं, और होप सो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से, बाकी तो भगवान पर ही छोड़ रखा है। और मैं तो हमेशा ही भगवान से कहती हूँ मुझे इतना मत दो, इतना मुझे चाहिए भी नहीं कि मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरी मेहनत का मुझे ज़रूर दे दो। आए दिन जब भी मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मेरी विश क्या रहती है। मेरी विश बस इतनी रहती है कि भगवान सबका भला करना, फिर मेरा भला करना, सबकी सुनना, पीछे से मेरी भी सुनना, और मेरी माँ को सलामत रखना, मेरे पे उन पे मुसीबत आने से पहले मेरे पे मुसीबत आए, मेरी मम्मी को स्वस्थ रखना, ठीक रहना रखना, क्योंकि उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक्चुअली किसी का कोई नहीं होता। बट आप जब हमेशा मुझसे कहते हो ना कि रिश्तेदार ऋतु, कभी किसी से कॉल पे भी ऋतु बात नहीं करती, अकेले रहती, अकेले टाइम काट लेगी, अकेले खुद से, लेकिन कभी किसी से बात कोई भी नहीं, किसी से अगर मतलब कहते ना मतलब के लिए भी चलो थोड़ी देर मन बहलाने के लिए भी बात कर लो तो किसी से भी कुछ भी नहीं, अकेले बैठी रहूँगी, अकेले आराम कर लूँगी, सो जाऊँगी कुछ भी, लेकिन किसी से बात नहीं करती, कोई है ही नहीं मुझे समझने वाला शायद। तो इस वजह से बस हमेशा यही कहती हूँ, भगवान जी पापा को तुमने मुझसे छीन लिया बहुत जल्दी, बट मेरी मम्मी भी अपनी दुआएं बनाए रखना, मैं रोना नहीं चाहती, बस इतनी बार मेरी दुआएं जो भगवान से निकलती बस इतनी है। और दूसरा, मैं 4 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं वो लोगों को दिखती है क्योंकि मैं दिखा नहीं पाती ज़्यादा, जितना दिखा पाती हूँ दिखाती हूँ, मैं 4 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत गालियाँ सुन रही हूँ, लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, लेकिन उस भगवान मुझे इतनी ताकत, हर रोज़ सुबह दिन आता है नया उठने का, हर रोज़ मेरे में इतनी ताकत एनर्जी आ जाती है कि नहीं देने दो, ये तो लोग हैं, ये तो तुम्हें चाहती है कि ऋतु तुम गिर जाओ, किसी भी तरीके से उठाएंगे नहीं, और जिस दिन तुम उठ जाओगी उस दिन ये तुम्हारे आगे पीछे होंगे, तो बस वो वक्त, वो स्ट्रगलिंग टाइम आई होप मेरी लाइफ से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई मेहनत करने वाला नहीं है, कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने मेरी मर्ज़ी से ये सपना देख लिया है कि मुझे इस लाइन में जाना है और मेहनत करनी है, तो बस उसी में मेहनत जारी है, देखते हैं कब कैसे क्या मिलता है। और इन सब के बीच मैं बहुत कुछ डील करती हूँ, लाइक काम आता है, फेक चीज़ें आती हैं, रियल नहीं आती, कुछ फेक कुछ रियल, तो सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ, कभी फ्रॉड मिल जाता है, कभी कुछ पूछते, कभी कुछ, क्योंकि हर ये लाइन है ही ऐसी कि इसमें कुछ भी पूछते, तो सब कुछ डीलिंग करके मैनेज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी इतनी दुआएं हैं भगवान से। आज तो मैंने आपको अपनी विश भी बता दी, और जीते जी भगवान अगर मुझे कभी देने वालों में से बनाया, लोगों की मदद करने वालों में से बनाया, तो मेरे दिल से यही रहेगी कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो मुझसे बुरी सिचुएशन में है, लेकिन भगवान ने शायद मुझे अभी देने वालों में से नहीं बनाया है, लेकिन अगर बनाया तो मैं चाहती हूँ मैं सबकी मदद कर सकूँ, सबकी दुआएं ले सकूँ, बस इतनी ख्वाहिशें मेरी हैं ज़िंदगी में। होप सो ये ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं, भगवान से कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश मैंने नहीं मांग ली है,
कि गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी ऐसा कुछ मांग लिया मैंने भगवान से जो इतना इतना देर लग रहा है। वो कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर इतनी भी देर मत कर देना कि इंसान टूटने लगे यार, इतनी भी देर मत कर देना। सॉरी गाइस, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन आपकी बातें जब आप कहते हो ना कि ऋतु सब कुछ करना, व्लॉगिंग करना मत छोड़ना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी, बट देखना कहीं। सॉरी गाइस, ओके बाय, बाद में मिलते हैं। बर्तन धो लेते हैं क्योंकि शाम को आने के बाद फिर मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, थक जाती हूँ पैदल आके। चलिए बर्तन धो लेते हैं, सब्जी खाली कर लेते हैं और फिर बर्तन धुलते हैं सारे। सो गाइस, कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, पानी की वाड़ा और मैं रेडी हो गई। मेरे पैरों में लेकिन दर्द हो रही है आज, आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे पैरों में दर्द ही होती रहती है। मतलब कैसी वाली दर्द, ये भी नहीं, मतलब बहुत अजीब अजीब दर्द हो रही है, मैं बता भी नहीं पा रही। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम, बताओगे? ये कुछ नहीं बोलता गाइज, ये कुछ नहीं, बहुत ढीठ लड़का है ये। गाइज मैं कोचिंग से वापस आ गई थी बस, अभी आधा घंटा हो गया मैं आए हुए, और ये चाय बना ली मैंने गर्मा गर्म, चाय पीने जा रहे, आप लोग भी आ जाओ, फिर अभी छत पे चलेंगे तब आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, चलिए छत पे चलते हैं, धूप निकल आई है, सुबह से धूप नहीं निकली थी, अब धूप निकली, बताओ। सो गाइस, हम कुछ शर्ट कर रहे हैं अपने सूट के लिए, कुछ सोच रहे हैं शर्टिंग करें और अच्छा सा कुछ अच्छा सा बन जाए यार। चलो सेटिंग करते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं सेटिंग करते हुए। ओके गाइस, हमने कुछ सेटिंग की है, इधर से उधर पेड़ शिफ्ट किए हैं ताकि कुछ उस टाइप का ला पाएँ जैसे जंगल टाइप, बट ये जंगल नहीं है, ये हमारे घर के पेड़ों से हमने शिफ्टिंग की है, होप सो अच्छा हो पाए कुछ। गाइस होप सो यहाँ का बैकग्राउंड करके हम वो वीडियो बना पाएँ जो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। वैसे तो हमें बाहर जाना चाहिए था बनाने के लिए, बट हमने घर पर ही मैनेज करने की कोशिश की है। होप सो सब अच्छा आया और अच्छा बन जाए हमारा वीडियो, बेस्ट। गाइस किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया कि ऋतु तुम इतनी जल्दी कैसे उठ लेती हो, अगर ऋतु को काम है और अगर अपने काम के लिए वो बहुत जी जान से रात भर, फिर मुझे नींद नहीं आएगी कि मुझे सुबह उठना, रात भर नहीं नींद आएगी, फिर मैं सो नहीं सकती। और वैसे भी अब जैसे पूजा के लिए भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है, वैसे तो भी उठती थी ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय सावन चल रहा ना तो मंदिर में कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है, भक्तों की ऐसे वो हो जाती, तो फिर तभी मैं जल्दी उठ जाती, तभी मैं 5:30 बजे उठ गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपना काम किया, झाड़ू पोछा किया बर्तन, जब मम्मी रहती तो मम्मी धो देती हैं, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं नहाई धोई, पूजा पाठ मंदिर में किया, फिर मंदिर चली गई, मंदिर में पूजा कराई, जल्दी उठ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली भी जल्दी उठ जाती हूँ, मम्मी की डांट भी पड़ती रहती है अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए, जैसे 7 बज जाए ये लड़की सोया करेगी, तो मैं उठ जाती हूँ। 9-10 बजे सोने की आदत नहीं है मेरी, जिम्मेदारियाँ बहुत है ना, बहन भी नहीं है कोई, बहन भी होती तो यार क्या सारा काम उसके ऊपर डाल देती। क्योंकि मैंने भाई लोगों के रूटीन सुने हैं कि मैं तो 12-1 बजे उठती हूँ सो के, मैं तो कोई घर का काम नहीं करती, भाई हम करते हैं, हम मम्मी के, हमें घर का सारा काम करना पड़ता है, कौन करेगा हमारे घर का काम, कोई नहीं करेगा, तो हमें ही करना पड़ता है। आपको तो करते हुए दिखती भी हूँ, आर्यन हमारे काम में हेल्प कर रहा, आपने सही कहा था, आर्यन बहुत हेल्पफुल बच्चा, इधर आ, आर्यन मेरे काम में हेल्प कर रहा है कि कल हम वीडियो बनाएंगे, तो इधर से उधर सेटिंग कर रहा है, करके जाएगा, बोल रहा था कि सुबह कर देंगे, अभी मैं सोच रही हूँ बारिश ना हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, होप सो हम जो प्लान कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। ओके सो ये जो प्लानिंग, कल वीडियो शूट करूँगी ना, परसों ये व्लॉग देखने को मिलेगा, तो बने रहना मेरे व्लॉग में, एंड मिलते हैं आपसे नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद। अब ये मत कहना नहा के तो तुम आई भी नहीं, अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी डायरेक्ट पूजा कर लूँगी इसके बाद मिलूंगी। ओके सो गाइस वेलकम किचन, क्योंकि काफ़ी लेट में मिली, हमने बोला था कि मैं नहा के जब आऊँगी तो आपसे मिलूंगी, तो मैं टीवी भी देखने लगी तो फिर मैं आपसे मिल नहीं पाई, और अब मैं बस खाना बना रही हूँ, खाना काफ़ी लेट हो गया आज, तो मैंने भैया की सब्ज़ी बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं रोटी कटाक से सीखती हूँ, उसके बाद खाना खाने के टाइम मिलते हैं आपसे। एक दिन सब्जी हमारी भैया की सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई है, कुछ अलग तरीके से बनाई है, बट मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, नेक्स्ट टाइम करूँगी। ओके प्लीज़ देखिए भैया की सब्ज़ी और रोटी, और ये सुबह की सब्ज़ी साथ में खा रहे हैं, मम्मी नहीं खा रही आज, मम्मी खा के आई है। मम्मी क्या खाया तुमने? कोफ्ता मटर पनीर खाई है, वो तो खाइए रहे। तो गाइज़ खाना पीना हो गया है और बज रहे रात के 11, अब सोने का टाइम हो गया, बाकी सब सो गए, और मैं आज ब्लॉग एंड करना भूल ही जा रही, मैं सोने जा रही थी, मैंने कहा अरे मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया। सो गाइस इसी जगह पे अपना ब्लॉग एंड करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। एक सेकंड सबको दिखाती हूँ सोते हुए। मम्मी आर्यन कैसे सो रहा है? अरे ये सो रहा है। कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके बाय बाय।